वे तुलंद वे मेलाची तेरे पीछे आगवाची तेरे ईश्वर के नमारी कुड़ी कंच दी कवारी वे मैं चम्मे दी पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया ओ काला जोरिया कुंडे नाल अड़ आए ओए के छोटा देवरा पापी नाल लड़ आए ओए छोटे देवरा तेरी दूर बुलाई वे के नाल सोनिया तेरी इक पर जाई वे Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक. ये होगा बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी टू क्रिएट मेकअप लुक है और राखी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेकअप लुक है. अगर आपने इंडियन आउटफिट कुछ डालना है, ग्रे में अगर आपका आउटफिट है तो उसके साथ भी चलेगा. अगर आपने थोड़ा सा वेस्टर्न टच में कुछ डालना है तो उसके साथ भी चलेगा. ये जो मेरा आउटफिट है ना, ये मिंत्रा का है. तो अभी मैंने मिंत्रा हॉल किया था तो उसमें आपको ये इसका परचेज लिंक मिल जाएगा. तो या लुक अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना, सबके साथ शेयर भी करना. हाय गाइस, purple.com के ऊपर सेल स्टार्ट हो चुके हैं. पर्पल मॉनसून मेनिया सेल, अप टू 50% तक ऑफ आपको मिल जाएगा 8 July to 14 July तक. सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स और जो भी सेल की डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बाकी आपको अभी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, अलग अलग कूपन कोड्स हैं, अलग अलग ऑफर्स हैं, कॉम्बोज हैं. आप गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डर्मा वाइव का हाइड्रा क्लेंजर. ये हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाएगा ये फेस वॉश. ओट मील एक्सट्रैक्ट है, अवीना सतीवा सीड पाउडर है. इसके अंदर SLS फ्री, सो फ्री, फ्रेगनेंस फ्री, पैराबेंस फ्री एंड लेनोलिन इसके अंदर नहीं है. तो मैंने सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लिया था. वैसे ना ये हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाता है लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट वाला प्रोडक्ट है. पीएच बैलेंस मेंटेन रखेगा आपकी स्किन का, तो अच्छी तरह से आपकी स्किन में से गंदगी निकाल देता है. धूल मिट्टी डस्ट हो गया, सीबम हो गया, लेकिन आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता. फेस वॉश यूज करने के बाद मैं नहाने चली. नहाने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई थी, तब जाके मैं मेकअप करने बैठी थी क्योंकि बीच में आपको पता है ना, सारी अपनी हाउसवाइफ वाला काम खत्म करने के बाद ही यूट्यूबर वाला काम शुरू होता है. तो बस यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का टोनर यहाँ पे अप्लाई किया, ये मलबरी टोनर है. और फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया लॉरियल पैरिस का 1.5% रिवाइटलिफ्ट सीरम. मेरी पूरी बॉटल ख़त्म होगी, बस थोड़ा सा रह गया है. वैसे मेरे पास एक और बॉटल आई हुई है तो बस अब उसको शुरू कर देंगे लगाना. बहुत ही ज़्यादा माइल्ड वाला सीरम है, चिपचिप नहीं करता आपकी स्किन के ऊपर, अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करो. फिर मैं गाइज यहाँ पे न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करने वाली हूँ. इसके अंदर है विटामिन ई. अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, सनबर्न हो गया है या फिर अगर आपको ड्राइनेस है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो. ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, हेल्दी स्किन सेल्स को एक्टिवेट करेगा और ये गाइस हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाएगा. ग्लिसरीन भी डाला हुआ है इसके अंदर, विटामिन ई है. मेकअप करने से पहले ना, जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, स्किन बड़ी अच्छी लगती है, हाइड्रेटेड लगती है. वैसे आप इसको अपनी मॉर्निंग रूटीन, नाइट टाइम रूटीन में इसको इंक्लूड करो. चिपचिप नहीं करती है, लाइक स्टिकी टाइप्स नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से ना मॉइस्चराइज कर देती है. ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है. तो उससे मेकअप का बेस बड़ा ही अच्छा ज़्यादा लगता है, फ्लॉलेस सा दिखता है. तो बस अब मैं यहाँ पे TNW ब्रांड की लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ. इसके अंदर कुछ कलर नहीं है, मतलब पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है और जस्ट सिंपल एक लिप बाम है, क्लियर लिप बाम. तो लेकिन मॉइस्चराइजिंग है, काफ़ी अच्छी है. फिर मैं गाइज अब मेकअप शुरू करते हैं. स्किन केयर तो हो चुकी है. सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्पल का प्राइमर यूज़ करूँगी. पर्पल का प्राइमर भी काफ़ी अच्छा है और पर्पल का जो दूसरा वाला प्राइमर है ना, गोल्ड जेल वाला, मुझे यार दोनों सेम ही लगते हैं प्राइमर, पता नहीं. प्राइमर लगाने से आपके जितने पोर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, बेस आपका थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और फाउंडेशन लंबे समय तक टिका रहता है. तो बस यहाँ पे गाइज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया, ये पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर. मेरे फेस के ऊपर देख रहे हो कितनी टैनिंग हो गई, हाथ और मेरे मुंह में देखो फर्क देख रहे हो, दिन रात देख रहे हो फर्क देख रहे हो मेरे हाथों में और मुंह में, टैनिंग हो गई मेरे फेस पे. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको निकालूं, बट ओ गॉड कर रही हूँ यार, डेली फेस पैक्स लगा रही हूँ बट आई डोंट नो कैसी टैनिंग हो गई, चिपक ही गई है मुंह पे. लॉरियल पैरिस का ये मैंने फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. 104 मेरा शेड है.
ये थोड़ा सा ना बड़ी जल्दी ड्राई सा हो जाता है, तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप जब भी इसको अप्लाई करो ना, आप आधा आधा करके यूज करो, मतलब हाफ फेस के ऊपर डॉट 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 कर लो, ब्लेंड कर लो, फिर आधे फेस के ऊपर डॉट 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 कर लो, फिर ब्लेंड कर लो। इससे क्या होगा ना कि ये ड्राई नहीं होगा। देख रहे हो आप अभी इसको, मेरे को ब्लेंडिंग में थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब टाइम लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। बट ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, लंबे समय तक आपके फेस के ऊपर मतलब टिका रहता है, निकलता नहीं है। अस्फा हलाल ब्रांड का ये कॉम्पैक्ट है, 1 नंबर था ये। अच्छी तरह से अपने फेस को मैं सेट कर लूँगी बेस को, ताकि मेरा फाउंडेशन टिक जाए। कंसीलर नहीं लगाया था मैंने, मैंने पता है क्या किया था, उसी फाउंडेशन को दोबारा से लगा लिया था जहाँ जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड लग रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल सा रखा। गर्मियों में कहाँ इतनी लेयर अप की जाती है फेस के ऊपर, मुझे नहीं पता। कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा लेयर वाला जैसे मेकअप दिखाती है ना, जैसे पता नहीं स्केयर स्केयर वाला बहुत कुछ उसके अंदर किया होता है, इतनी लेयर्स लग जाती है ना फाउंडेशन की, वो देख के मुझे लगता है वो रियल लाइफ में हम लगाते हैं क्या ऐसे? नहीं ना, थोड़ा सा कम ही लगाते हैं। और ये था राखी मेकअप लुक, तो मैं इसको बहुत मिनिमल रखना चाहती थी। अच्छा, अब मैंने गाइज यहाँ पे क्या किया है, लॉरियल पेरिस की ये आईब्रो पैलेट है, ये ब्रांड ने मुझे सेंड की थी। हाँ, कोलैब वीडियो थी मेरी उनका मस्कारा, और ये आईब्रो पैलेट मुझे सेंड की थी, बहुत अच्छी आईब्रो पैलेट है। मम्मा के घर में ना बहुत लिमिटेड सा सामान लेके गई थी, जब इधर आई ना वापस तो अपना कितना सारा मेकअप देखने में बड़ी खुश हो गई थी। मैंने बोला अरे चलो अब सबको यूज़ करती हूँ, जो जिनको इतने 2-3 महीनों से नहीं यूज़ किया। शुगर की ये वंडर वूमेन वाली पैलेट है, मतलब शुगर कॉस्मेटिक्स ने वंडर वूमेन के साथ कोलैब किया था, ये मुझे ब्रांड ने सेंड की थी शुगर ने। तो बस मैं अब इनमें से भी जस्ट एक हल्का सा कोरल कलर लूँगी, अपने लिड के ऊपर प्लेस करूँगी हल्का हल्का सा, और इसके साथ मैं अपनी क्रीज बिल्डअप कर लूँगी। बहुत बेसिक वाला मेकअप लुक है, कुछ वैसा नहीं, क्योंकि राखी वाले दिन में अगर हम इतना भी कर लें तो यार बहुत है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। बट अगर आप थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होते हो तो ठीक है, पिक्चर्स वगैरह अच्छी आ जाती है, फिर तो अगले साल ही राखी आती है। तो और कुछ नहीं, सिल्वर का ये, अच्छा स्विस ब्यूटी का ये सिल्वर वाला आई शेडो है, सिंगल आई शेडो, ये ना खरीदा नहीं था, ये ना ऑनलाइन ना कुछ बाय किया था। स्विस ब्यूटी की ना 2-4 ना लिपस्टिक्स बाय की थी, लिक्विड लिपस्टिक। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैंने ना मम्मी के लिए ना स्विस ब्यूटी की ना 3-4 लिपस्टिक्स बाय की थी। मम्मी के घर में ना व्लॉग में ना हैंड स्वेचेस भी दिखाए थे, तो दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे पता नहीं, कि दिखाने वाले हैं मैं भूलेगी। उसके साथ ये फ्री मिला था, सिंपल सी बात है। तो मम्मी ने तो आई शेडो लगाना नहीं था, ग्रे कलर का मैं उठा के अपने घर ले आई थी। मैंने बोला मम्मी आपने तो आई शेडो लगाना नहीं, आपने तो बस लिपस्टिक लगानी है, ये मैं लेके जाती हूँ। तो ये फ्री वाला प्रोडक्ट था साथ में कॉम्प्लीमेंट्री। शुगर का यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर ली हूँ, लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन। एक चीज़ मैंने देखी, जब मैं किसी वीडियो में ना गाना लगा दूंगी ना मेकअप वाली वीडियो में, इतने कॉमेंट्स आते हैं, दी आप ना बकबक किया करो, बातें कर लिया करो, आप गाना मत लगाया करो, इतने कॉमेंट्स आएंगे ना, तो फिर मुझे होता है कि चलो बातें कर लेते हैं। आपने देख लिया मैंने वेगा का आईलैश कोयलर यूज़ किया था लैशेस को कर्ल करने के लिए। मेरे सारे के सारे मस्कारा सूख चुके हैं। कुछ नया मस्कारा ट्राई किया जाए, अब ये सूख चुका है बेचारे में से निकल ही नहीं रहा था। एंड मैंने इसके अंदर डाल दिया था लेंस वाटर, जब आपका मस्कारा सूख जाए ना तो लेंस वाटर डाल दो, बट ये कुछ ज़्यादा ही सूख गया था। चलो अब गाइज मैंने इसी पैलेट में से, शुगर की पैलेट में से हल्का सा ब्राउन सा कलर ले लिया, लाइट चॉकलेटी ब्राउन सा कलर। इसके साथ मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन को स्मज कर लिया। एक्चुअली जब आप नीचे मस्कारा लगाते हैं ना, उससे पहले आप स्मजिंग कर लिया करो अपने लोअर वाटर लाइन को। इससे क्या होता है ना, जो आपकी लैशेज होते हैं ना लोअर वाली लैशेज, वो फिर क्लम्पी सी नहीं होती। स्मज करने के बाद आप मस्कारा अप्लाई किया करो। वेट एंड वाइल्ड का ये मेगा ग्लो कॉन्टोर है ये, ओ बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं, पाउडर पाउडर इसका उड़ने लगा था टच करते ही। पिगमेंटेशन आपको इसकी अच्छी है, मतलब बिल्ड करनी पड़ेगी, आज पता नहीं क्यों आ रही थी, मतलब बिल्ड करो आप इसके साथ, उड़ बहुत रहा था। जहाँ जहाँ पे आप कॉन्टोर करते हो आप उसके साथ कॉन्टोर, मतलब वहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है, चीक बोन्स पे, चिन एरिया पे, फोरहेड पे, नोज पे। तो या बिल्ड कर रही थी मैं इसको धीरे धीरे। भाई तुमने क्लिप बहुत लंबी ले ली, हो रहा था दिख रहा था भी, इतना भी ये ब्रॉन्जर टाइप्स है, मैट है वैसे तो ये पाउडर। फॉल आउट बहुत था, सिंपल सी बात, उड़ रहा था का मतलब होता फॉल आउट बहुत था, मैं नाम ही भूल गई थी। एनीवेज गाइज मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ यहाँ पे,
ये क्लिप सॉरी यार थोड़ी सी लंबी डल गई थी, इसको मैंने ना डबल की स्पीड पे करना था, बट अब जाके मैं देख रही हूँ। एनीवेज स्टेक वर्की का ये ब्लश है, डबल डेट शेड नंबर 2 था ये। इसमें ना दो कलर हैं, मैं हमेशा से ना दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। जब भी लगाती हूँ ना मैं कभी भी सिंगल नहीं लगाती, मैं हमेशा से मिक्स करके ही लगाती हूँ। और आजकल मैंने एक नया ट्रिक पकड़ी हुई है, मैं ना चीक्स को ना स्माइल करके नहीं लगाती ब्लश, साइड में ऐसे करके लगाती हूँ जैसे हम कॉन्टोर करते हैं, उससे मुँह थोड़ा पतला लगता है और लिफ्टेड सा लगता है। वैसे तो होगी हूँ मोटी, अब सोच रही हूँ थोड़ा सा मेकअप करके पतली लग जाऊँ, अरे ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, मैं अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान रख रही हूँ और हो जाऊँगी धीरे धीरे। मम्मी के घर में प्यार से इतना खाना खा लिया था। अच्छा ये देख लो, मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटर है, ये ल्यूमाइजर इसका नाम है। ये ना बहुत पुराना, मतलब 2-3 साल हो गए मेरे पास ये पड़ा हुआ है। मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर हाइलाइटिंग कर ली, अब आजकल मैंने एक नया किया कि मैं जब भी ब्लश लगाते हूँ ना उसके ऊपर हल्का सा ना हाइलाइटर लगा देते हैं। उससे क्या होता है ना गाइज, जब आप स्माइल करते हो ना तो चीक्स पे आपकी हल्की सी ग्लोई ग्लोई सी आपकी लगती हैं। तो हाइलाइटर फेस के ऊपर लगा लिया, नोज़ के ऊपर, चिन एरिया, चीक बोन्स पे लगाया, क्यूपिड्स बो, चिन एरिया, एंड अब मैंने अपने ब्राउ बोन पे भी हाइलाइटर लगा लिया, आईज के कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई कर लिया। मिलानी का ये सेटिंग स्प्रे है, थोड़ा सा ही रह गया इसके अंदर, 2-3 महीनों से इसको यूज़ नहीं किया था। बहुत सारा सामान इधर था ना, मम्मी के घर में बस थोड़ा सा लेके गई थी जिसके साथ मैंने वही 4-5 मेकअप लुक्स निकाले थे। हल्के से लिप बाम फिर से लिप्स के ऊपर अप्लाई करूंगी, और उसके बाद फिर बीच में मैंने एक लिपस्टिक अप्लाई की थी जो मेरे इस मेकअप के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसको उतारा मैंने, 15 मिनट मेरे उसमें वेस्ट हो गए। स्टेक वर्की का XOXO लिप पेंसिल है ये, और हल्की सी शाइन थी ये वाली लिप पेंसिल में, बट बहुत ही ज़्यादा न्यूड थी ये, नो मेकअप मेकअप लुक के लिए या फिर टीन एजर्स के लिए ये वाली लिप पेंसिल काफ़ी अच्छी है। इसका जो शेड है ना मैं आपको बताती हूँ, मेरे सामने पड़ी हुई है शेड नंबर 14 स्नगल, शेड नंबर 14 स्नगल है। इसके साथ मैं आउटलाइन भी करूँगी और मैं अपने लिप्स को फिल भी करूँगी, तो इसके साथ फिल करने के बाद ये लुक आ गई, देख सकते हो आप। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मैं इसके ऊपर अभी ग्लॉस ऐड करूँ, आई डोंट नो कहाँ से मेरा मन करने लग गया कि मैं ग्लॉस ऐड करूँ। कलर बार का ये ग्लॉस है, ये मुझे ब्रांड ने ही सेंड किया था कलर बार ने पिछले साल, 001 इसका नंबर है। एंड आजकल मैंने देखा है कि आजकल लड़कियां ना ग्लॉस भी लगाती हैं, लाइक ग्लॉसी ग्लॉसी से न्यूड से लिप्स होते हैं, तो मैंने सोचा चलो यही ट्राई मारते हैं आज। तो इसको लगाने के बाद ये थोड़ा सा ना रोज गोल्ड कलर है, तो थोड़ा सा और कलर ऐड करने का मेरा मन कर रहा था कोरल सा, तो इसको लगाया। इसको लगाने की ये स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, आज मैंने बड़े घपले मारे हैं लिप्स के ऊपर, 4-4 चीज़ें लगाई हैं मैंने। ये लगाया तो मुझे जमा नहीं, बहुत लाइट हो गया कलर, फिर थोड़ा सा मैंने और इसमें कलर ऐड कर दिया कोरल कलर, ये अब जाके तब मेरे थोड़ा सा दिल को शांति मिली कि चलो अब ठीक है। किसी किसी दिन मैं लिपस्टिक्स में बड़े घपले मारती हूँ, ये भी डाल लो, ये भी मिक्स कर लो, बालों का क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी हेयर वॉश करके आई और कलर करने वाले हो गए मेरे बाल, ओ माई गॉड इतने अजीब से लग रहे हैं ना, देख लो वाइट वाइट बाल्स भी वाइट वाइट बाल्स नज़र आ रहे हैं, हेयर नज़र आ रहे इतना गंदा वॉइस ओवर करती हूँ ना मैं, ओ शिट। एनीवेज मैंने पीछे कर ली गाइस पोनी, आप लोगों को ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगा था, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दी हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, मेरे को बस तुक्का मारा था और कुछ नहीं किया था, आई एम नॉट गुड एट हेयर स्टाइल्स, बड़ी बेकार हूँ मैं। चलो पीछे वाले बालों को पोनी कर ली थी, आगे वाले बालों में सेंटर पार्टीशन करके छोटी सी एक फ्लिक छोड़ दी थी, और इसको ना मैंने ट्विस्ट करके ना उल्टे साइड जाके पिनअप किया था, मतलब इस तरफ ट्विस्ट करूँगी तो उसको उधर के पिनअप करूँगी। ये मैंने कहीं यार इंस्टाग्राम पे ही ये वाला हेयर स्टाइल देखा था, इंस्टा रील में या फिर यूट्यूब शॉर्ट में, तो पता नहीं कैसे करते करते याद अभी मैं कुछ कर रही थी ना कि क्या करूँ बालों का क्या करूँ, तो बस वो वाला याद आ गया, तो बस ऐसे ही कर लिया। अच्छे लगते हैं यार हेयर स्टाइल्स ऐसे, कभी कभी मैंने नोटिस किया, मैं भी जब लड़कियों को देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं हेयर स्टाइल भी करूँ सीखूँ, अच्छा लगता है कभी कभी आप चेंज करो, है ना, नहीं तो हमेशा ना वही बाल खोल दो वही बाल खोल दो खोल दो खोल दो, गर्मी में कहाँ खोले जाते हैं बाल, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बाल गर्मी में नहीं खोले जाते, घर में तो जैसे ही बैठ जाते सबको ही पता है कैचर लगा के जुड़ा सा बना के बैठ जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप वैसे ही हेयर स्टाइल करो गर्मियों में जिसको आप कैरी भी कर सको। अभी ये हेयर स्टाइल था ना इसको मैंने बहुत आराम से कैरी कर लिया था क्योंकि सारे बाल तो बंधे हुए थे, और ये जो सामने से फ्लिक्स होती ये तो भैया हम लड़कियों का हक है, सामने वाले 4 बाल निकालना इसको कोई नहीं छीन सकता, चाहे इसकी ज़रूरत नहीं है आगे वाले 4 बालों की, बट
ये हमारा हक है, ठीक है, इसको कोई नहीं छीनेगा। एनीवेज मेरा मन क्या कि चलो अब इतना कुछ कर ही लिया तो लैशेस क्यों छोड़ दूँ यार, कर ही लेती हूँ। लैशेस लगाने से ना यार लुक ना थोड़ा सा दूसरे लेवल पे ही चला जाता है, अच्छा लगता है। यूरोप गर्ल की लैशेस थी, यूरोप गर्ल की ग्लू थी। ऑफ कैमरा मैंने अप्लाई कर ली। अब मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ अपना आउटफिट। ये मिंत्रा का आउटफिट है, इसको मैंने अभी अभी मिंत्रा से मंगवाया था। इसका हॉल ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, नहीं देखा तो जाके देख लो। गोल्डन बेल्ट इसके साथ मैंने लगा दी, गोल्डन बेल्ट इज फ्रॉम अमेजोन। बाय द वे ये जो शर्ट ड्रेस है ना पूरी खुल जाती है, मतलब पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो बटन्स है ना पूरे खुल जाते हैं। ईयरिंग्स का ये पूरा सेट था, मतलब इसके साथ नेक पीस भी था। ये है मीशो का, मीशो का ज्वेलरी हॉल आने वाला है, लेके आऊँगी मैं। तीन तीन ज्वेलरी हॉल आएंगे मीशो के इसी मंथ में, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी शूट करूँ। इसके साथ नेक पीस भी है तो आपको मीशो के ज्वेलरी हॉल में नज़र आएगा। एक्चुअली इसके साथ मैंने ये वाले ईयरिंग्स नहीं डालने थे, लेकिन मेरे घर की जो एक अलमारी है ना जिसके अंदर मेरा सारा सामान पड़ा है, ईयरिंग्स पड़े हैं, लहंगे पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, उसकी चाबी नहीं मिल रही। चाबी लगा के मम्मी के घर गई थी और तब से बीच में भी आई थी मैं दो बार, मुझे चाबी मिली नहीं। आरव के पापा को भी नहीं मिल रही, अब उसका ताला तोड़वाना पड़ेगा। जब ताला तोड़ने के लिए आएगा ना भैया तो व्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको। एनीवेज इसलिए मेरे को जो ईयरिंग्स बाहर पड़े थे, कादा वीडियो के लिए आया था नया नया, बस वही मैंने डाल लिया, नहीं तो इसके साथ मैं बड़े बड़े हूप्स डालती। घड़ी थी मेरी सोनाटा की, वॉच है और इसको मैंने बहुत टाइम पहले लोकल मार्केट से ख़रीदा था, लेकिन ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इसका मैंने डिटेल में वीडियो भी डाली थी। जुत्ती है अजियो की, जुत्ती बोल रही हूँ मैं, व्हाट यू कॉल दिस, हील्स, हील्स हैं अजियो की। कलर बहुत अच्छा है, ब्लश पिंक कलर, नहीं नहीं डस्टी पिंक कलर है इसका, हाँ सॉरी डस्टी पिंक कलर है। ये है ओवरऑल लुक। और हाँ जी, नीचे से मुझे इसको प्रेस कर देना चाहिए था आउटफिट को, जो मैंने किया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया। एनीवेज बाय बाय, लव यू। इतना फर्क मेरी और उनकी मोहब्बत में, हम तुमसे डरते थे तुम उनसे डरते हो। एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? मुझसे पूछे मेरी हम सफर हर बारी, तो तेरे नाम से पुकार बैठे उसे कई बारी, तो तेरे नाम से पुकार बैठे उसे कई बारी। जो हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना, हम वादा करते हैं क्या तुम भी करते हो? एक बात बताओ तो।